हेलो बच्चों, आज हम बैलेंसिंग का सेकेंड बेस्ट मेथड लेके आए हैं। इक्वेशंस बैलेंस करना हम लोग के लिए हमेशा बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहता है, और इक्वेशन को बैलेंस करने का मेरे पास एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही इजी और बहुत ही सक्सेसफुल और हमेशा लगने वाला मेथड है जो हम आपको देने जा रहे हैं। उस मेथड में केमिस्ट्री नहीं, मैथ्स लगेगी। स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन लेते हैं कोई भी केमिकल। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन लूंगा, स्टार्ट करूंगा। मैंने लिया अमोनिया का ऑक्सीडेशन और बना लिया नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O। क्या करना है, कैसे बैलेंस करें? इधर एक नाइट्रोजन, इधर एक नाइट्रोजन, बैलेंस कर रहे हैं, 2-1 लगा रहे हैं। नहीं, नया मेथड। यहां लिखिए A, यहां लिखिए B, यहां लिखिए C, यहां लिखिए D। इसके आगे लिख लिया A, इसके आगे लिख लिया B, इसके आगे लिख लिया C, इसके आगे लिख लिया D। इक्वेशन दी हुई थी, बैलेंस करना था। बढ़िया मेथड। चलिए नाइट्रोजन देखते हैं। इस तरफ कितने नाइट्रोजन है? A, यहां 1 लिखा है, कितने नाइट्रोजन हुए? A। इस तरफ कितने नाइट्रोजन है? एक ये नाइट्रोजन, इसके आगे लिखा है C, यानी 1 टाइम्स ऑफ C, तो A इक्वल टू C। बात करते हैं हाइड्रोजन की। इधर कितने हाइड्रोजन है? यहां लिखा है 3 और यहां लिखा है A, यानी 3 टाइम्स ऑफ A, तो 3A इज इक्वल टू। यहां कितने हाइड्रोजन है? 2 और इसके सामने लिखा है D, यानी 2 टाइम्स ऑफ D। बहुत बढ़िया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कौन बचा? ऑक्सीजन। इस तरफ कितने ऑक्सीजन हैं? 2, 2 टाइम्स ऑफ, सामने लिखा है B, मतलब 2 टाइम्स ऑफ B। इस तरफ कितने ऑक्सीजन हैं? यहां पे एक ऑक्सीजन, कितने गुना? C गुना, तो इस तरफ है C ऑक्सीजन। इस तरफ कितने ऑक्सीजन है? 2 गुना ऑफ B। इस तरफ कितने ऑक्सीजन है? 1 इंटू C। साथ में ये ऑक्सीजन भी राइट साइड में है, 1 गुना ऑफ D। तो जो भी एटम्स हैं, हमने पहले लिख लिया ए बी सी डी, और जो भी एटम्स हैं उनको कंपेयर किया। नाइट्रोजन, इस तरफ कितने नाइट्रोजन है लेफ्ट साइड में? 1, और उसको मल्टीप्लाई कर लिया ए से। इस तरफ कितने नाइट्रोजन है? 1, उसको मल्टीप्लाई किया सी से। जितने लेफ्ट में होंगे उतने राइट में, तो ए इज इक्वल टू सी। फिर आए हाइड्रोजन पे, इधर कितने हाइड्रोजन है? 3, और सामने लिखा है ए, तो 3 टाइम्स ऑफ ए। इधर कितने हाइड्रोजन है? 2, और सामने लिखा है 2 डी, तो 2 टाइम्स ऑफ डी। ऑक्सीजन की बात की, इस तरफ कितने ऑक्सीजन है? 2, और मल्टीप्लाई कर लिया बी से, 2B। इस तरफ कितने ऑक्सीजन है? 1, सी इतना, तो सी, और ये भी है 1, डी गुना डी। ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में से ऐसा अल्फाबेट ढूंढो जो सब में हो या ज्यादातर में हो। ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, डी इसमें भी है, इसमें भी है। तो ए या डी में से किसी एक को 1 मान लो, मान लो, टेंशन मत लो। लेट लेट ए इक्वल टू 1 मान लिया। ए को 1 मानते ही C की वैल्यू कितनी हो गई? C भी हो जाएगा 1, क्योंकि C A के इक्वल है। A को 1 माना, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 2D, तो D की वैल्यू कितनी हो गई? 3/2। A मिल गया, C मिल गया, D, यहां पुट कर दें, 2B इज इक्वल टू, C कितना है? 1, D कितना है? 3/2, कितना हो जाएगा? LCM लिया 2, 2 प्लस 1, 2 प्लस 3, 5/2, और B कितना हो जाएगा? ये 2 नीचे गया, 5/4। A मिल गया, C मिल गया, B मिल गया, D मिल गया, पुट कर दें इनकी वैल्यूज को, पुट कर दें। A की वैल्यू कितनी है? 1, तो A की जगह 1। B की वैल्यू कितनी है? 5/4, तो B की जगह 5/4। C की वैल्यू कितनी है? 1, यहां रख दिया 1। D की वैल्यू कितनी है? 3/2, तो D को हटा के रख दो, 3/2। अब इस पूरी इक्वेशन को हम क्या करें? यहां से 4 हटाना चाहते हैं, यहां से 2 हटाना चाहते हैं, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना हो जाएगा? 4 गुना NH3। 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 कैंसिल, कितना आएगा? 5O2। 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 गुना NO। 4 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो 2 2 4, 6H2O। चेक कर लो, बैलेंस हो गई। इधर नाइट्रोजन 4, इधर नाइट्रोजन 4, इधर हाइड्रोजन 3 4 12, इधर हाइड्रोजन 6 2 12, ऑक्सीजन 5 2 10, 4 6, ऑक्सीजन यहां पे 4, यहां पे 6 10, बैलेंस हो गई। देखा शॉर्टकट, एक और देखते हैं एक और सीख जाते हैं मेथड, एकदम टिप पे आ जाए। 30 सेकंड्स के अंदर इक्वेशन बैलेंस करेंगे, 30 सेकंड्स के अंदर। चलिए दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं, कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ ब्यूटेन, C4H10 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O।
अब आप बताइए क्या करें, बैलेंस करना स्टार्ट करें? नहीं, यहां क्या लिख लेते हैं, ए यहां लिख लें, बी यहां लिख लें, सी यहां लिख लें, डी, ए बी सी डी। कार्बन कंपेयर करें, लेफ्ट साइड में कितने कार्बन हैं? चार गुना ऑफ ए। राइट साइड में कितने कार्बन हैं? एक और सी गुना, तो 4A इज इक्वल टू सी। हाइड्रोजन को कंपेयर करें, लेफ्ट साइड में कितने हाइड्रोजन हैं? 10 और सामने लिखा है A, मतलब 10 टाइम्स ऑफ A। राइट साइड में कितने हाइड्रोजन हैं? 2 और सामने लिखा है D, यानी 2 टाइम्स ऑफ D। अब बचा कौन? ऑक्सीजन। यहां पे कितने ऑक्सीजन है? 2 और सामने लिखा है B, मतलब 2 टाइम्स ऑफ B। यहां ऑक्सीजन दोनों में है, ध्यान दें, तो यहां 2 और सामने लिखा है C, तो 2C। और भी ऑक्सीजन है, ये यहां 1 ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाई डी प्लस डी। अब तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखें और वो टर्म जो तीनों में आ रहा हो उसको वन मान लें। ए इसमें आ रहा, इसमें आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, ओहो ओहो, डी इसमें आ रहा, इसमें आ रहा, सी इसमें आ रहा, इसमें आ रहा, किसी एक को भी वन मान लो जो अच्छा लगे। मैं एक को मान रहा हूं, लेट लेट ए इक्वल टू वन। ए को वन मानते ही सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 × 1, तो सी की वैल्यू आ गई 4। ए को वन मानते ही ये कितना हो जाएगा? 10 × 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी। डी की वैल्यू हो गई 10/2, मतलब 5। अब ए मिल गया, सी मिल गया, डी मिल गया, यहां पुट कर दें, 2b इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी। सी कितना है? 4 प्लस डी, डी कितना है? 5। 2b 2 4 8, 8 और 5 13, बी की वैल्यू हो गई 13/2। आ गई सारी वैल्यूज, आ गई वैल्यूज को पुट करने का समय आ गया। चलिए ए की वैल्यू कितनी है? 1, यहां रख दिया 1। बी की वैल्यू कितनी है? 13/2, बी की जगह 13/2। सी की वैल्यू कितनी है? 4, यहां रख दिया 4। डी की वैल्यू कितनी है? 5, यहां रख दिया 5। अब ये इक्वेशन देखने में अच्छी नहीं लग रही क्योंकि यहां पे 2 लिखा है, तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स ऑफ C4H10, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 कैंसिल, 13O2, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 8 CO2, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 10 H2O, इक्वेशन हो गई बैलेंस। चेक कर लो, कार्बन 2 4 8 8, हाइड्रोजन 2 10 20, 10 2 20, ऑक्सीजन 13 2 26, 8 2 16, प्लस 10 26। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते जाओ, मेथड सीखते जाओ, ये मेथड फेल नहीं करेगा, बहुत बढ़िया मेथड है। चलिए एक कोई और नया एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने ले लिया अमोनिया का रिएक्शन करा दिया क्लोरीन से और अमोनिया एक्सेस में है, तो बनेगा नाइट्रोजन और बनेगा NH4Cl। शुरू करें, क्या करें? यहां लिख लेंगे ए, यहां लिख लेंगे बी, यहां लिख लेंगे सी, यहां लिख लेंगे डी। अब कंपेयर करते हैं नाइट्रोजन, इस तरफ कितने नाइट्रोजन है? 1 गुना ऑफ ए। इस तरफ कितने नाइट्रोजन है? 2 गुना ऑफ सी, 2 टाइम्स ऑफ सी। और इस तरफ ये नाइट्रोजन भी है, कितना है? 1, सामने लिखा है डी। इस तरफ टोटल नाइट्रोजन कितने हैं? 2 टाइम्स ऑफ सी, मतलब 2c, 1 टाइम्स ऑफ डी, मतलब डी। तो इतने नाइट्रोजन इस तरफ है, लिख लिया। अब बात करते हैं किसकी? हाइड्रोजन की। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 3 टाइम्स ऑफ ए। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 4 टाइम्स ऑफ डी, यहां 4 लिखा है, सामने डी, तो 4 टाइम्स ऑफ डी। अब बात करते हैं क्लोरीन की। इधर क्लोरीन कितना है? 2 और सामने लिखा है बी, 2 टाइम्स ऑफ बी। यहां क्लोरीन कितना है? सीएल, यहां लिखा है 1, सामने लिखा है डी, डी। सारे एटम्स को लो और अल्फाबेट्स के टर्म में कंपेयर कर लो। स्टार्ट करें, वो टर्म देखें जो सबसे ज्यादा जगह है या जिसको वन मानने सबसे ज्यादा फायदा होगा। मेरे ख्याल से डी को अगर वन मान लें तो देखो बड़ा फायदा है कि नहीं है। चलो चेक करते हैं, लेट डी इक्वल टू 1, तुम बी को मान लो, ए को मान लो, दिमाग लगाना है थोड़ा सा। देखो डी इसमें, इसमें दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा, तीनों में दिख रहा, जो चीज सबसे ज्यादा दिखे उसको तुरंत वन मानो। डी तीनों में दिख रहा, डी को वन माना, डी वन मानते ही बी कितना हो जाएगा? डी की वैल्यू हो गई 1, तो बी की वैल्यू 1/2, डी मिल गया, बी मिल गया। यहां पे आइए, 3a इज इक्वल टू 4d, डी को कितना मान चुके हैं? 1, तो a की वैल्यू आ गई 4/3। a मिल गया, b मिल गया, d मिल गया, c निकालना है। a की वैल्यू यहां पे रख दे 4/3, 2 टाइम्स ऑफ c, d की वैल्यू 1, तो 2c इज इक्वल टू 4/3 माइनस 1, 4 − 3 1/3, 2c इज इक्वल टू 1/3, और यहां से c की वैल्यू आ जाएगी 1/6, तो c की वैल्यू हो गई 1/6। यहां पे a की वैल्यू पुट कर दी 4/3,
टू सी और डी की वैल्यू ये रही वन, पुट की सी की वैल्यू आ गई, सबकी वैल्यूज मिल गई, पुट करने का समय आ गया। पुट करते हैं, ए की वैल्यू 4/3 यहां रखा 4/3, बी की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू 1/2, सी की वैल्यू 1/6 और डी की वैल्यू 1, डी तो माना था हमने, यही तो कहा था लेट डी इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन अच्छी नहीं लग रही क्योंकि नीचे 6 है, 2 है, 3 है, किससे मल्टीप्लाई करके काम बनेगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाइड बाई 6, 3 2 6, 2 4 8 NH3, भाई 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 6, 2 4 8, इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 से, तो 2 3 6 कितना बचेगा, 3 Cl2, इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 6 कैंसिल, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 टाइम्स ऑफ NH4Cl, बैलेंस्ड हो गई रिएक्शन, इधर 8 नाइट्रोजन, इधर 2 और 6 8, इधर 8 3 24 हाइड्रोजन, इधर 6 4 24, इधर 3 2 6 क्लोरीन, यहां पे 6 क्लोरीन, बैलेंस। एबीसीडी मेथड कभी फेल नहीं करेगा, टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना, मेथड कभी फेल नहीं करेगा। एक और एग्जांपल ले लो, हमने ले लिया कॉपर ऑक्साइड, इसका रिएक्शन करा लिया अमोनिया से, तो कॉपर का रिडक्शन होगा, बनेगा कॉपर और बनेगा नाइट्रोजन और बनेगा H2O, क्या करें क्या करें क्या करें, बैलेंस करें नहीं, ए बी सी डी ई, हाँ भाई ज्यादा आ जाए तो ए बी सी डी ई, और आ जाए एफ, और आ जाए जी। स्टार्ट करते हैं कॉपर से, इधर कितने कॉपर हैं, 1 × A, इधर कितने कॉपर हैं, 1 × C, ऑक्सीजन इधर कितने ऑक्सीजन हैं, 1 × A, इधर कितने ऑक्सीजन हैं, 1 × E। बात करते हैं नाइट्रोजन की, इधर कितने नाइट्रोजन हैं, 1 × B, इधर कितने नाइट्रोजन हैं, 2 × D। बात करते हैं हाइड्रोजन की, इधर कितने हाइड्रोजन हैं, 3 × B, इधर कितने हाइड्रोजन हैं, 2 × E। आओ धूलो किसको वन मानने पे काम बनेगा, ए इसमें है, ए इसमें है और में नहीं है, बी इसमें है और में नहीं है, ई इसमें है इसमें, किसी को भी वन मान लो काम बन जाएगा, किसी को भी, ई भी दो में है, बी भी दो में है, ए भी दो में है, इनमें से किसी को भी वन मान लो, किसी को भी। हमने कहा लेट बी इक्वल टू वन, बी को वन मानते ही ई की वैल्यू मिल जाएगी, 2E = 3 × B, तो ई की वैल्यू हो गई 3/2। अब यहां पे आए, बी की वैल्यू मानी है 1 = 2D, तो डी की वैल्यू हो गई 1/2। अब यहां पे आए, A = है ई, ई की वैल्यू है 3/2, तो ए की वैल्यू भी हो गई 3/2। फिर आए इसमें, A = C, ए की वैल्यू है 3/2, तो सी की वैल्यू भी हो गई 3/2। सारी वैल्यूज आ गई, पुट करने का समय आ गया, पुट करने का समय आ गया भाई, पुट करने का समय आ गया, आइए वैल्यूज को पुट करें, आइए वैल्यूज को पुट करें। ए की वैल्यू कितनी है, 3/2, यहां रखा 3/2। बी की वैल्यू कितनी है, 1, बी को ही तो 1 माना है। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है, 3/2। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू कितनी है, 1/2। ई की वैल्यू कितनी है, 3/2। पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर ले, डेफिनेटली 2 से, 2 से 2 कैंसिल, CuO क्या बचा, 3, ये कितना हो जाएगा, 2 moles of NH3, 2 से मल्टीप्लाई, 2 कैंसिल, 3 moles of Cu, 2 से मल्टीप्लाई, 2 कैंसिल, N2, 2 से मल्टीप्लाई, 2 कैंसिल, 3 moles of H2O, चेक कर लो बैलेंस, 3 copper, 3 copper, 3 oxygen, 3 oxygen, 2 nitrogen, 2 nitrogen, 2 3 6 hydrogen, 3 2 6 hydrogen। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड फॉर बैलेंसिंग, इसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, किसको वन मानना है किसको नहीं। कई बार ऐसा होता है, कई बार जैसे आप, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, कमेंट करके आंसर बताइए, S+HNO3 gives H2SO4 plus NO2 plus H2O, S+HNO3, ये रहा आपका होमवर्क, कमेंट करिए इसका आंसर, ये क्वेश्चन करने में मजा आ जाएगा, इसी मेथड से करना है, S+HNO3 gives H2SO4 plus NO2 plus H2O, करो इस मेथड से मजा आ जाएगा। होगा ये कि दो अननोन फंस जाएंगे, तो आपको दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा, साइमल्टेनियसली आता है ना कि एक को एलिमिनेट करो, दो एक वेरिएबल्स फंस जाएंगे, एक ये होमवर्क में लिखिए और दूसरी इक्वेशन ये करके दिखाइए, कॉपर प्लस HNO3 और HNO3 लेंगे कंसंट्रेटेड, HNO3 और HNO3 लेंगे कैसा, कंसंट्रेटेड, तो बनेगा CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O,
ये दोनों इक्वेशन आप करिए और कमेंट करिए कि कैसे कैसे वेरिएबल को सॉल्व किया है और इस मेथड को यूज करिए। थैंक यू।